हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू गुप्ता। आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल कुक विद नीरू गुप्ता में। आज मैं आपके साथ होममेड ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जानने के लिए कि बेकरी से भी अच्छा ब्रेड घर पर कैसे बनता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ प्रॉपर एंड परफेक्ट होममेड ब्रेड बनाने के बारे में बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले ब्रेड बनाने के लिए हम 1.5 टेबल स्पून यीस्ट को एक बाउल में डालेंगे, साथ ही साथ 3 टेबल स्पून शुगर डालेंगे। इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा कप गुनगुना पानी। पानी ना ही ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा, हल्का सा मिला लेंगे और प्लेट की सहायता से ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे जिससे यीस्ट अच्छे से फर्मेंट हो जाए। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा का यूज़ किया है, जिसे छलनी की सहायता से बाउल में छान लेंगे। मैदा को छान लेने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालकर मिला लेंगे। 10 मिनट के बाद देखिए ईस्ट अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब हम इस फर्मेंट हुए ईस्ट को मैदा में डालेंगे और इससे हम मैदा का आटा लगा लेंगे। एक बार में सारा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा डालकर मैदा को गूंथते जाएं। इस प्रकार से मैदा गूंथ लें। मैदा लगाने के लिए हमें अभी आधा कप पानी की और आवश्यकता है, तो मैंने ईस्ट वाले बाउल में आधा कप पानी और डालकर उस पानी से मैदा लगा ली। अब हम किचन प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी सूखी मैदा डाल लेंगे और गूंधी हुई मैदा को प्लेटफॉर्म पर रखकर चिकना होने तक अच्छे से हाथ की सहायता से मसलते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैदा चिपक रहा है। अब हम यहाँ पर मैदा को चिकना करने के लिए ऑयल लगा लेंगे, जिससे मैदा हाथ से चिपकेगी नहीं और आसानी से चिकना हो जाएगी। इस प्रकार से ऑयल लगाकर मसलते रहिए जिससे मैदा अच्छी प्रकार से चिकनी होकर तैयार हो जाए। देखिए प्रेस करने से मैदा ऊपर की तरफ उठकर आ रही है, इसका मतलब ब्रेड बनाने के लिए मैदा परफेक्ट है। 1 टेबल स्पून ऑयल लगा लेंगे, मैदा को अच्छे प्रकार से गोलाकार रूप में बना लेंगे और नीचे से इस प्रकार से सील कर देंगे ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए और फिर से इसे बाउल में रख देंगे। 1 टेबल स्पून पानी लगाकर हाथ की सहायता से मैदा पर अच्छे से कवर कर देंगे। अब बाउल को क्लिंग रैप या प्लेट की सहायता से कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए गर्म स्थान पर रखेंगे ताकि मैदा फर्मेंट हो जाए। यहाँ मैंने ब्रेड बनाने के लिए ब्रेड लोफ टीन का इस्तेमाल किया है, यह 11 इंचज लोफ टीन है। इसको हम ऑयल की सहायता से ग्रीस कर लेंगे ताकि ब्रेड चिपके नहीं। इसी प्रकार से अब हम लोफ टीन की लिड को भी ग्रीस कर लेंगे। 2 घंटे हो गए हैं, देखते हैं मैदा फर्मेंट हुई या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैदा फूलकर साइज में डबल से भी ज़्यादा हो गई है, कितनी अच्छे से मैदा फर्मेंट हुई है। अब हम इस पर सूखी मैदा छिड़क कर पंच करेंगे और एक्स्ट्रा हवा निकाल लेंगे। मैदा को बाउल से निकाल लेंगे और किचन प्लेटफॉर्म पर रोल करेंगे। मैदा को रोलिंग पिन की सहायता से रोल कर लेंगे। अगर आपको मैदा में कहीं भी बबल्स दिख रहे हैं तो उसको हम रिमूव कर देंगे। इन बबल्स को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि परफेक्ट ब्रेड बने। देखिए अब हम इसे लूफ टिन के साइज़ का बना लेंगे। देखिए मैदा को हमने टिन के साइज़ का रोल कर लिया है, अब हम इसे रोल करेंगे। बिल्कुल इसी स्टाइल से रोल करना है और इस प्रकार से सील कर लीजिए ताकि बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड बनकर तैयार हो। अब ग्रीस किए हुए टीन में रोल की हुई ब्रेड रखेंगे। जो साइड हमने सील किया है उसको नीचे की तरफ रखें और हल्के हाथ से दबाकर इस प्रकार से टीन में फैला दें। टीन को लिड लगाकर बंद कर देंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए गर्म स्थान पर रखेंगे। 1.5 घंटा होने के बाद देखिए ब्रेड कितने अच्छे से फर्मेंट हुई है। अब हम इस पर ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर देंगे। यह काम बिल्कुल हल्के हाथ से कीजिए। लीड लगाने के बाद 10 मिनट किचन प्लेटफॉर्म पर रखें। साथ ही में अब हम 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पर ओवन को प्रीहीट करेंगे। ओवन के प्रीहीट हो जाने पर अब हम ब्रेड को 200 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 20 मिनट्स के बाद अब हम ब्रेड लूफ टीन को बाहर निकालेंगे और टीन से उसकी लिड निकाल देंगे। अब फिर से लिड उतार कर 10 मिनट के लिए ब्रेड को बेक करेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड बेक होकर रेडी हुई है। ब्रेड को फिर से ब्रशिंग करेंगे जिससे इसमें शाइनिंग बनी रहेगी। नाइफ की सहायता से ब्रेड को टीन से अलग कर लेंगे।
टीन को हल्का सा थपथपाकर ब्रेड को बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने आसानी से ब्रेड निकल गई। हमारी ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनकर रेडी हुई है। नाइफ की सहायता से अब हम ब्रेड के पीस कट कर लेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी ब्रेड बनकर रेडी हुई है। तो लीजिए, तैयार है बेकरी से भी अच्छी ब्रेड। अब आप घर पर कितनी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ब्रेड बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पर लाइक कमेंट करें और आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी प्रकार की और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।